तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप फेसबुक पर एक अच्छा और सुंदर पेज कैसे बना सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपके इस फेसबुक पेज पर ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आएंगे और कैसे फेसबुक एल्गोरिथम आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बूस्ट करेगा, और फेसबुक पेज की वो कौन सी सेटिंग्स है जिनको जमाए बिना फेसबुक पेज को बूस्ट नहीं किया जा सकता। सब कुछ सिखाने वाले हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और घंटी के आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको फेसबुक पेज बनाने के लिए आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उस सभी के पास फेसबुक अकाउंट जरूर से होगा। तो सबसे पहले आप सभी को अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है। अब आपको ऊपर वहाँ पर कॉर्नर पर 3 डॉट या 3 लाइन का निशान दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर कॉर्नर पर आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से संबंधित वीडियो बनाना चाहते हैं उससे संबंधित नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके पेज की कैटेगरी क्या होगी। अब आपको यहाँ पर आपकी वीडियो से संबंधित कैटेगरी को चुनना है। कैटेगरी चुनने से क्या होता है कि फेसबुक एल्गोरिथम आपकी वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाता है जो लोग उस कैटेगरी की वीडियो को देखना चाहते हैं। जैसे कि आपका कोई गेमिंग चैनल है तो यहाँ पर आपको गेमिंग लिख देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें से मिनिमम आपको 3 को चुनना होता है। और यदि आपका यहाँ पर कोई एजुकेशन से संबंधित चैनल है तो यहाँ पर आपको एजुकेशन टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित कई सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से संबंधित वीडियो बनाना चाहते हैं उससे संबंधित 3 टॉपिक को चुनकर नेक्स्ट कर देना है। अब नीचे आपको यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है। अब उसके नीचे यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, आपकी सिटी पूछेगा, जिप कोड नंबर, पिन कोड नंबर सब पूछेगा। तो आपको यहाँ पर सब कुछ डाल देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा प्रोफाइल लगाने का और कवर पेज लगाने का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर दोनों जगह कैमरे पर क्लिक करके दोनों जगह फोटो को अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जिस पर लिखा होगा स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, वरना यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है मार्केटिंग और प्रमोशनल ईमेल्स का। यदि आप इससे संबंधित कोई ईमेल चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जिस पे ऊपर लिखा होगा जनरल, उसके नीचे लिखा होगा बायो। तो बायो में आपको आपकी वीडियो की कैटेगरी से संबंधित कुछ ऐसी मुख्य बातें लिखनी होती है कि जिससे जो भी नया व्यूवर्स आपकी प्रोफाइल पर आए वो बायो को देखकर ये अनुमान लगा ले कि उसको आपकी वीडियो में देखने को क्या मिलेगा। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आएगा जिस पे लिखा होगा कनेक्ट टू व्हाट्सएप। अगर आप इस पेज को WhatsApp के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आपके सामने यहाँ पर आएगा इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन। जैसे आप इनवाइट फ्रेंड पर क्लिक करते हैं तो आपके फेसबुक अकाउंट पर जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आप उनको अपने पेज पर इन्वाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है और आपका पेज बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों अब आपका यह सिंपल पेज तो बन चुका है, अब बारी है इसको प्रोफेशनल बनाने की। तो अब आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा आ रहा है ऐड एक्शन बटन, यह चेक करना बहुत जरूरी है गाइस। अब अगर आप चाहे तो आपके पास अगर कोई अन्य फेसबुक पेज है या आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसके साथ आप इसको आसानी से अटैच कर सकते हैं। जैसे आप किसी पेज या अकाउंट को यहाँ पर अटैच करते हैं उसका एक अलग से बटन बनकर पेज पर तैयार हो जाएगा, जिस पर अगर कोई व्यक्ति क्लिक करता है तो आपके उस अकाउंट या उस पेज पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मैंने पेज की सारी बेसिक डिटेल आपको तैयार करवा दी है, और जो बाकी बची हुई है वो यहाँ पर है, जिसको आप खुद भी अब फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप वीडियो कहाँ से अपलोड करोगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर से आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। स्टूडियो में आपको आपके फॉलोवर्स, आपके वॉच टाइम, आपकी अर्निंग्स देखने में आसानी होगी, और इसमें वीडियो चढ़ाना भी बहुत ही सिंपल होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और हाँ, अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेव करना भी जरूरी है गाइस, ताकि जब भी आपकी समस्या के समाधान की वीडियो बनाई जाए आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच पाए।